लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज विज्ञान क्लब की ओर से एक जो है यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है विज्ञान क्लब की ओर से, तो यहाँ बच्चे अपने अपने जो है विज्ञान स्टॉल लगाएंगे। तो आज हमें विशिष्ट अतिथि की तरह वहाँ आमंत्रित किया गया है, तो हम देखते हैं क्या है ये साथ उनका फल करनी है। हाँ। In a step-by-step, well-defined process which is executed to attain an objective. It's very necessary. But from where do we get this? Sir, sir, Jee. As we all know, plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. We want clean water, pure air, and proper recycling of nutrients. And to maintain such an ecosystem, all of us have to do our part. हाँ भाई बताओ जरा ज्ञान क्या पर इधर इधर जाके बताओ थोड़ा सा इस साइड में। आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर आज हम FR इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की जो शीर्ष संस्था है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद उत्तर प्रदेश के निर्देशन में किया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हैं और विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक आगे साहब शरद हमारे बीच में आ गए। सीधे सर आपके फोन से फिर कॉल लग रही है उस दिन की तरह। चलो कोई बात नहीं हो गया। सर से कि वो मुख्य अतिथि का आसन ग्रहण करें। उनके पास मैं विद्यालय की सोसाइटी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष महोदय श्री काजी अलीम साहब से अनुरोध करूंगा कि आसन ग्रहण करें और उपस्थित सभी छात्रों से अनुरोध है तथा उनके साथ आए शिक्षकों से अनुरोध है कि कृपया इनको विधिवत बैठाएं क्योंकि अनुशासन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं विद्यालय की ओर से क्योंकि प्रधानाचार्य महोदय को अचानक सही शिक्षा निदेशक महोदय ने बुला लिया है तो उनकी अनुपस्थिति में श्री तौकीर सिद्दीकी वरिष्ठतम प्रवक्ता से अनुरोध करता हूं कि कृपया मुख्य विद्याधिकारी जी का बैच लगाकर विद्यालय परिसर में 30वीं जनपदीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर मेहंदी हसन से अनुरोध है कि जिला विद्यालय निरीक्षक का बैच लगाएं। डॉक्टर मेहंदी हसन यहाँ NCC की उत्तम व्यवस्था के लिए विद्यालय के एएनओ का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अतिथियों को एक हमारे बीच चिकित्सा विभाग से डॉक्टर अजय जी
और डॉक्टर शरद जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा अमरीश शर्मा जी प्रवक्ता से कि कृपया उनको बैठ कराएं, डॉक्टर अजय जी को और डॉक्टर शरद जी को। मैं सम्मानित सीडीओ सर का थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। सर, ये 20वीं जनपदीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा ज्ञानार्जन ज्ञान हो और तुम्हें जो साइंटिफिक सप्लीमेंट हो अंधविश्वास से दूर हटे और उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में स्थापित किया। कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी IAS श्री जग प्रेमी जी, जिला विद्यालय निरीक्षक आदरणीय श्री सोमार प्रधान, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती कुसुमलता राजपूत जी एवं उपस्थित हमारे बीच में चिकित्सा विभाग से डॉक्टर अजय कुमार गंगवार जी जो अपर शोध अधिकारी हैं, सारे आंकड़े उनके पास इकट्ठे होते हैं और उनके साथ में आए हुए आदरणीय शरद शर्मा जी, हमारे बीच में निर्णायक मंडल में उपस्थित असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान विभाग उपाधि महाविद्यालय पिगली से डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल जी, डायट फरीदपुर से जीव विज्ञान की प्रवक्ता सावित्री देवी जी, शिक्षा विभाग से SR जी डॉक्टर धंडे जी, हमारे डॉक्टर अनिल चौबे जी, एमडी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता श्री राम प्रकाश जौहरी जी, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पूर्व राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता रहे श्री जड़क खान जी, जय अमित खान जी, जड़े खान जी और उपस्थित समस्त शिक्षक, समस्त बाल वैज्ञानिकों, आज इस कार्यक्रम में सभी बाल वैज्ञानिकों का बहुत स्वागत है, सभी अतिथियों का स्वागत, क्योंकि जो बाल वैज्ञानिक है उनसे ही कार्यक्रम एक बार बाल वैज्ञानिकों की जोरदार ताली हो जाए। राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की जो नई दिल्ली की शीर्ष संस्था है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद नई दिल्ली के निर्देशन में माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के उत्प्रेरण से जिला विज्ञान क्लब बरेली के द्वारा FR इस्लामी इंटर कॉलेज बरेली में आज ये कार्यक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बच्चों में अभिव्यक्ति की क्षमता शोध प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये जो विषय है ये पूरे भारत देश के लिए है, पूरे भारत देश में इस तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं और उसका जो मुख्य विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबीइंग। इस में 5 उपविषय रखे गए हैं, उन उपविषयों पर आधारित अपने विभिन्न शीर्षकों में बच्चों ने स्थानीय समस्याओं को चिन्हित करके उन पर प्रोजेक्ट बनाए और उनका पोस्टर के सहायता से, पावर पॉइंट की सहायता से या उनसे संबंधित मॉडल की सहायता से उनका वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिनको हमारे माननीय लड़ाई घर के पैनल जो है उनको देख रहा है। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो राज्य स्तरीय प्रदर्शन में जाएंगे और जो राज्य स्तर पर सेलेक्ट होंगे वो राष्ट्रीय प्रदर्शन में जाएंगे
और जो राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्ट होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मीटिंग होगी नागपुर में उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा सर कि हमारे जनपद से यहाँ पर बच्चे राष्ट्रीय स्तर कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पर हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने का अवसर मिला, हमारे पास बैठे हुए वीडियो से रूप बच्चे। इसके अलावा यहाँ पर 41 बच्चे ऐसे थे जिन्हें 10,000 रुपए का पुरस्कार मिला इंस्पायर अवार्ड, और इंस्पायर अवार्ड में इनोवेशन लिखा है इनोवेशन इन साइंस परसुइंग फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, और उनमें से बच्चों ने नेशनल लेवल पर प्रेजेंटेशन किया 6 बच्चों ने, और इनमें एक बच्चे का चयन जापान की यात्रा के लिए हुआ है इंटरनेशनल लेवल और राष्ट्रीय लेवल पर। हमारे आदरणीय जिला विज्ञान निरीक्षक जी विज्ञान के कार्यक्रमों को निरंतर सजग रहते हैं और मार्गदर्शन करते रहते हैं, उन्होंने अभी विज्ञान प्रदर्शनी कराई और वो बच्चे जो हैं उसमें राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम है ये बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए है कि संविधान की मूल कर्तव्य में लिखा हुआ आर्टिकल 51 तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात रखी थी साइंटिफिक टेंथ पर। Present our model on the topic organic muscular rainforest. In the present day scenario, we all know that the diseases are spreading recklessly and at a high rate. One of the major causes of these diseases are mosquitoes. They spread various diseases like malaria, chikungunya, Zika virus, etc. So, we have made an organic coil. It's totally organic material. And it repels mosquito more effectively than other synthetic coils. We saw the flowers that were spread across the temple places wastefully. They were thrown away. We have used those flowers to develop this mosquito coil. We have used other organic materials also like neem. It has a chemical called azadirachtin, which repels the mosquito, and clove, which has eugenol, which repels other pests. And tree resin acts as a binding agent, and dried flowers we have added for addition of common white-eyed tree. It is 25% because it acts as a binding agent. We have added camphor for some nice smell and dried flowers for the fragrance too. So this can visualize the environment, and when it is made on a large scale, it will help the society as it provides employment to the local workers. So please, if you have any questions. Also ये सारे materials हैं, हाँ ingredients हैं, they have used oil बताई हुई है, ये हम लोग spray शुरू करेंगे अब। तो this is the carom seeds joint. उसमें चला करके भी आपको यहाँ दिखाना था। क्या बेटा आपने? तो तनिष चंद्र, आरुष, बीबीएल से। मैम आई डिड नॉट गेट स्पेस, बिकॉज़ दीज आर द As I research about it, we can extract fibers from lotus stems. It is very easy and a simple process. First, slice these stems into 3 to 4 parts and keep this for a solution
made up of 10% of baking soda and 90% of water. Keep it for 24 hours, and after 24 hours, you will get a thread. You will get a fiber. From it you can make yarn. The fiber is very here. It is very extracted fibers from this lotus stem. Or what types of products can be made from this fiber? Ma'am, bags, carry bags, or like two bags, they can be made, and twice can be made. Okay, have you prepared some samples? Actually, ma'am, we don't get a time, so we have made the fiber. Okay. Yes. It is very costly. Well done. प्रेजेंट हो जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन आप समझते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी एक समयबद्धता होती है, पूरा जनपद देखना है और शासन के कार्यों की प्रमुखता भी है, इसीलिए मैं अब इस कार्यक्रम को थोड़ा सा मंच की ओर ले जाता हूँ। सबसे पहले इसमें जनपदीय राष्ट्रीय बाग कांग्रेस के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनपद के मुख्य विकास अधिकारी महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विद्यालय के मोडापन बोर्ड के अध्यक्ष जी, इस विद्यालय के सभी सामान्य शिक्षक, विभिन्न विद्यालय से आए हुए सभी सामान्य गुरुजन, सभी हमारे बाल वैज्ञानिक, प्रिय छात्र छात्राओं और उनके कार्य को परखने के लिए उपस्थित सभी हमारे सदस्य, गरीब कुमार शर्मा जी उपस्थित, अन्य हमारे गेस्ट, यह कार्यक्रम निश्चित रूप से बच्चों के अंदर वैज्ञानिक, मैं अपेक्षा करूंगा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी इस साल भी हमारे बच्चे पुरस्कृत हों, और जो शिक्षक इसमें मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनके कौशल को विकसित कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। जितने भी हमारे वैज्ञानिक शिक्षक हैं, विज्ञान के शिक्षक हैं, हम उन अच्छा इन्हें पूरा बहुत सुंदर सर स्वागत की प्रस्तुति की गई थी। बच्चों का एक उत्साहवर्धन है कि उन्हें सभी विद्यालय कार्यक्रमों में, और हम सभी का एक मार्गदर्शन करें श्रीमान जग प्रवेश जी। थैंक यू। आज के 30th जनपद स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे समस्त महानुभाव, आज के इस कार्यक्रम की जांच हमारे बच्चे, और आज कितना अच्छा दिन है कि बाल दिवस के दिन ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बाल वैज्ञानिक के बिहेवियर पर बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो बाल दिवस की आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जैसा कि आज का कार्यक्रम है और इसका मुख्य विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परि अभी एक इनोवेशन
अब बताएंगे कोई बैलेंस वाला जो दिखाई दे आपको यहाँ पर कोई बैलेंस वाला जो दिखाई दे आपको यहाँ पर डॉक्टर सरस शर्मा जी और स्टाफ प्यार और प्यारे बच्चों आज का दिन चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है और आज का दिन आप सबको आज के इस विज्ञान कांग्रेस के टॉपिक अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज की ये बहुत बड़ी अहम जरूरत है क्योंकि आज हमारा देश एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की समस्या से आज हमें स्वच्छ पानी भी नहीं मिल पाता उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हुई जिसका नतीजे हमें हमारी स्टमक डिजीजेस होती है। हमें विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य बोर्डर कंट्रोल के अध्यक्ष और विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा कार्यक्रम के समन्वयक और सह समन्वयक दोनों अनुरोध करता हूँ कि वो सीडीओ सर को स्मृति चिन्ह दे। जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुरोध है कृपया हाथ लगाइए कृपया कर्तव्य ध्वनि करते रहिए। विद्यालय के समन्वयक हैं इस कार्यक्रम के और यहाँ प्रवक्ता भौतिक विज्ञान है। मैनी हसन साहब सह समन्वयक है बहुत तत्परता से कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। डॉक्टर मैनी हसन साहब प्रवीण कुमार शर्मा विष्णु इंटर कॉलेज से जो कार्यक्रम की पूरी जान है जिन्होंने सब कुछ किया तो मैं चाहूंगा रवि प्रकाश शर्मा जी का भी एक बार अभिनंदन हो जाए। सीडीओ साहब से अनुरोध करूंगा कृपया रवि कुमार शर्मा जी को और इसके बाद कार्यक्रम को बहुत सर हमारे विद्यालय के कमेटी के प्रवक्ता श्री ब्रजेश शर्मा जी को तो मैं रवि शर्मा जी से ब्रजेश शर्मा जी को और उसके बाद बहुत आपने समय दिया है थोड़ा सा समय आपको बढ़ा दिया और उसके बाद हाँ हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष काजी अलमुद्दीन साहब को सीडीओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर तो साहब साथ में रहे आपको सम्मान करें। एक बहुत ही पहले की बहुत अहम बहुत जानमानी शख्सियत काजी अलमुद्दीन साहब आपका स्थानीय सरकार बनने के लिए और आपके खानदान का बुजुर्गों का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है रिकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ नर्वस कभी नहीं होना चाहिए।
अच्छा रवि जी चले ठीक है, बहुत खुश लग रहा प्रोग्राम पूरा और बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने फाल लेके वहीं पहुंच जाइए। नहीं नहीं हाँ, तो इसी के साथ अच्छा, ये अच्छा। प्रोग्राम अब हम समाप्त करते हैं, आज ये ब्लॉग बस यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बच्चों को शुभाशीष और बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बच्चे वैज्ञानिक बने इस देश के, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।